चले दोस्त, चलो शुरू करते हैं डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस। फर्स्ट, डोंट इवन थिंक अबाउट इट, ऐसा सोचना भी मत। सेकंड है, हु डू यू थिंक यू आर, तुम अपने आप को समझते क्या हो। आई विल बी देयर इन ए मिनट, मैं एक मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। आई थॉट यू मे जस्ट इवन बीन एग्जैजरेटिंग, मुझे लगा था कि तुम बस बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो। जैसे हाउ डू यू नो ऑल दिस, तुम यह सब कैसे जानते हो। यू शुड हैव कम विथ मी, तुम मेरे साथ आना चाहिए था। सेवेंथ है, बिकॉज आई एम बिंग फॉलोड, क्योंकि मेरा पीछा किया जा रहा है। एट नंबर है, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। नाइन नंबर है, यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई मीन, तुम अच्छे से जानते हो कि मेरा क्या मतलब है। दसवां है, जैसे ही मस्ट बी इन सम काइंड ऑफ ट्रबल, वह किसी तरह की परेशानी में होगा। ग्यारह, लिसन आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड अर्लियर, सुनो जो पहले हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बारह, यू शुड हैव थॉट ऑफ दैट अर्लियर, तुम्हें इसके बारे में पहले सोचना चाहिए था। थर्टी नंबर है, व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज मैडनेस, तुम क्या कर रहे हो, पागलपन है। व्हाट, हाउ कैन आई हेल्प यू इफ यू डोंट लेट मी इन, मैं तुम्हारा मदद कैसे कर सकता हूँ अगर तुम मुझे अंदर नहीं आना दोगे। फिफ्टी नंबर है, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग देयर राइट नाउ, मेरा अभी वहाँ जाने का कोई इरादा नहीं है। सिक्सटी नंबर है, व्हाट आई आई सपोज टू डू, मुझसे क्या करने की उम्मीद की गई थी। सेवन नंबर, आई डोंट इवन नो व्हाई आई एम लिसनिंग टू यू, मैं तो इतना भी नहीं जानता कि तुम्हें सुन क्यों रहा हूँ। एटीन नंबर है, डू यू नो वेयर ही इज, क्या तुम्हें पता है वह कहाँ है। नाइनटीन नंबर है, दिस इज द सोल पर्पस फॉर विच आई वॉज बॉर्न, यह एकमात्र उद्देश्य है जिसके लिए मैं पैदा हुआ था। लास्ट, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड, मुझे आशा है कि तुम्हें समझ आ गया होगा। दोस्तों, ऐसे ही डेली वर्ड्स यूज करके आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा सकते हैं।